हसीन चेहरा कितनी प्यारी आंख। अरे मेरी गुलाबो, शर्मा क्यों रही हो? शर्माओ मत, आओ मेरे पास बैठो। नहीं जी, मैं नहीं बैठूंगी। मेरे पिताजी कह रहे थे कि बेटा किसी भी पराए मर्द के पास नहीं बैठना। इसीलिए मैं आपके पास नहीं बैठूंगी। आपको जो कुछ कहना है ना, आप वहीं से कह दीजिए, मैं सुन रही हूँ। अरे मैं पराया मर्द नहीं हूँ, तुम्हारा पति परमेश्वर हूँ, समझी? समझ गई जी। चला फिर बैठ जा, शर्मा मत। हाँ तो बोलो, आप क्या कह रहे थे? अरे गुलाबो, आज हमारी सुहागरात है, सुहागरात। सुहागरात? ये सुहागरात क्या होती है जी? अरे गुलाबो, ये दो दिलों का मेल होता है, मेल। क्या कहा, मेल होता है? तो एक काम करिए जी, आप भी नहा लीजिए और मैं भी नहा लेती हूँ साबुन से, फिर दोनों की दिल का मैल उतर जाएगा। हद कर दिया आपने, हद कर दिया। हे भगवान, ये कैसी बीवी पल्ले बांधी तूने? तू ऐसे कर, तू यहाँ सो जा, मैं बाहर जाके सो जाता हूँ। नहीं नहीं जी, एक काम करते हैं, आप यहाँ सो जाइए और मैं बाहर जाके सो जाती हूँ। नहीं नहीं, मैं तो बाहर ही सो जाता हूँ, तुम सो यहाँ पे। नहीं नहीं जी, आप रुक जाइए ना। एक बात कहूँ आपसे, मैं सासू माँ को बुला लूँ यहाँ पे? मुझे ना अकेले सोने में डर लगता है, इसीलिए हम दोनों सास बहू एक साथ सो जाएंगे। सो तू सासू माँ के साथ सो। लो जी, चाय पी लो। चाय तो अच्छी बनाई है तुमने। आज ऐसे करना, दोपहर में आलू एंड गोभी की सब्जी बना लेना, क्योंकि आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है खाना बनाने का, मस्त बनाना सब्जी। ठीक है जी, आज मैं इतनी मस्त सब्जी बनाऊंगी कि आप खाएंगे ना तो खाके कहेंगे वाह कितनी बढ़िया सब्जी बनाई है, और हमेशा याद रखेंगे। मैं चलता हूँ, मुझे हलवाइयों के और टेंट वालों के पैसे देने हैं। ठीक है जी। ये आलू भी देखा है और गोभी भी देखी है, पर ये एंड कौन सी सब्जी होती है? आज तक ना तो देखी और ना सुनी। क्या करूं क्या करूं? अरे ये अपना मोबाइल तो यहीं पे भूल गए। चलो कोई बात नहीं, आज इस मोबाइल का फायदा उठाती हूँ, और मेरे भैया ना बड़े इंटेलिजेंट है, उनसे फोन करके पूछती हूँ कि भैया ये एंड क्या सब्जी होती है।
हेलो भैया, मैं बोल रही हूँ, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ मेरी प्याली दीदी, तुम बताओ तुम कहती हो? हाँ भैया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर एक समस्या है। क्या समस्या है मेरी प्याली दीदी, तुम मुझे बताओ। भैया, तुम्हारे जीजा ने कहा है कि आलू एंड गोभी की सब्जी बनानी है। आलू तो सुना है, गोभी भी सुनी है, पर ये एंड क्या होता है? मेरी प्यारी दीदी, बकली के मींगने को एंड कहते हैं। अच्छा अच्छा, बकरी के मींगने को एंड बोलते हैं। धन्यवाद भैया, अब मैं बढ़िया सी स्वाद सब्जी बनाऊंगी। भैया अब मैं ना फोन रखती हूँ, मुझे ना सब्जी भी बनानी है, आलू एंड गोभी की। ठीक है? ठीक है दीदी। गुलाबो, खाना तैयार हो गया क्या? हाँ जी तैयार है, लाऊं क्या? अरे जल्दी से ले आ, बहुत जोर की भूख लगी है। अभी लाई जी। सब्जी बहुत स्वाद बनाई है, मजा आ गया। आपको तो मजा आ गया जी, पर आपके सैंड के चक्कर में मैं बहुत परेशान हुई हूँ। एंड? मैं समझा नहीं तुम क्या कह रही हो। देखिए, आलू और गोभी तो घर पे थे, पर एंड लाने के लिए गांव के बच्चन काका के घर जाना पड़ा। बच्चन काका के घर जाना पड़ा, क्यों भाई? एंड लाने थे ना इसीलिए। एंड? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। बकरी की मिंगन जी। इसका मतलब तुमने इसमें? हाँ जी, मैंने इसमें बकरी के मिंगन मिलाए जी। बरसात कर दिया।